प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज है सैटरडे और आज है हमारा बाइबल क्लास, और आज बाइबल क्लास में हमने क्या क्या सीखा आप लोगों को भी दिखाएंगे। और फिलहाल बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार भाई, आप यूट्यूब से कितना कमाते हो। तो भाई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, आप लोगों से एक बात बहुत ही सीरियस तरीके से, मैं आपको सच मैं कितना कमाता हूँ यूट्यूब से आज मैं आपको बताऊँगा। मैं इतना कमाता हूँ कि मैंने हाल ही में एक बहुत ही अच्छा BMW जो एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, उसका एक बाइक ख़रीदा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वो बाइक देखें जो BMW का मेरा ओरिजिनल बाइक है, जो मैंने ख़रीदा है। कितने लाख में ख़रीदा है वो आपको पता चलेगा। तो मेरी यूट्यूब की कमाई का बाइक आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रहा। Never break, always fight, never quit, do it right. Are you committing me? Play the game, win your life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. तो आप लोगों ने देखा मेरा बाइक, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये बाइक मैंने अपने यूट्यूब के कमाई से ख़रीदा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आज बाइबल क्लास है और हम जाएंगे बाइबल क्लास, लेकिन उससे पहले मानसी बोल रही थी कि मुझे ब्रोकली खाना है, बकती खाना है। मानसी, जय मसीह। ट्रेन। मानसी तुम क्या खाओगी? मानसी के खाने? ब्रोकली खाने? ब्रोकली हाँ, बकली खाने? ब्रोकली बकली तो ये ब्रोकली खाऊंगी बोल के बोल रही थी कल रात से। तो अभी चलते हैं, ब्रोकली लेके आते हैं इसके लिए, उसके बाद क्लास जाएंगे। ब्रोकली साइकिल लेके निकल रहा हूँ तो मानसी रोने लगी, डैडी। मानसी गेट खोल रही है, गेट खोल रही है। मानसी तुम रहो, मैं ब्रोकली लेके आता हूँ। ओके, बाय बाय। ये है मेरा BMW साइकिल। अरे बाप रे, जो क्या बोल रहा था, जो ब्रोकली का शॉप है, मतलब जो सब्जी का शॉप है, वो यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। आगे यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है वो रहा। ब्रोकली लेते हैं अभी मानसी के लिए। दा, नमस्कार। एकदम ठीक ठाक, कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम ठीक ठाक। ब्लगिङ त भयो एक दुई महिना, कति ब्रोकली कसरी दिए? 35 रुपिस पर किलो। पर किलो मेरो दिजे न, एक केजी। एक केजी? हाँ, एक केजी, वन केजी। नरम छ बहिनी, पकाएर खाँदा। हजुर, थ्याङ्क यू भैया। मेरो नयाँ BMW साइकोर नै, BMW बाइक दिस रहेछ अगाडि पछाडि नै। हजुर, भैया को भी मेरा BMW पसंद आ गया। ये देखो BMW, इसमें डिस्क ब्रेक भी है, ऐसा वैसा नहीं है। ये देखो डिस्क ब्रेक, दोनों आगाड़ी पीछे डिस्क ब्रेक। ये देखो तगड़ा है ना भैया, ठीक है। मेरा BMW। तो चलते हैं, अभी ब्रोकली ले लिया है मानसी को देने, मानसी के लिए पका देंगे, उसके बाद में उसको खिला के उसके बाद में फिर चलते हैं क्लास के लिए। अभी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं जाने से पहले। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार आप परमेश्वर का काम करते हो तो एक्सरसाइज क्यों करते हो, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जितने दिन हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, जितने दिन ज़्यादा रहेंगे, उतना ही हम परमेश्वर का सेवा ज़्यादा कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज करना, बहुत से पास्टर गलती करते हैं, वो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम होता है, बाद में हार्ट अटैक आता है
और उनका देहांत भी हो जाता है, ये बेवकूफ़ी है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, नॉलेज दिया है, उसका सही इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को स्वस्थ रखें, ताकि परमेश्वर का काम और ज़्यादा इस दुनिया में रह के ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे तो ज़्यादा दिन प्रभु का सेवा कर पाएंगे। इसलिए बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी एक तरीका हो या जॉगिंग हो, अपना एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। ऐसे बिल्कुल मेरी तरह ये देखिए। आर यू कॉमेडी मी? वाह, क्या है ये? मानसी कम कम, ये क्या है? पापा पापा क्या है? ये बोलती है पापा बॉडी। क्या है मानसी? पापा बॉडी। ये देखो, जब मैं ऐसे करता हूँ ना, ऐसे करता हूँ ना, तो बोलती है पापा बॉडी पापा बॉडी। मानसी ये क्या है? ये देखो मानसी, क्या है ये? ट्रेन। नहीं वो ट्रेन नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ट्रेन। गाड़ी आ रही है ना मानसी, ये क्या है? पापा बॉडी बोलो। अभी इसका मूड नहीं है, वैसे भी हम लेट हो रहे, ट्यूशन बोल रहा हूँ बाइबल क्लास के लिए, तो जल्दी से चलते हैं क्लास में और जो सीखूंगा मैं वो आप लोगों को भी बताऊंगा। चलिए चलते हैं। उसके बाद मत्ती में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना ने क्या किया। यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह को जो बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह ने कंफर्म किया कि यूहन्ना एक मैसेंजर के रूप में प्रभु से भेजा गया था मुझे दिखाने, ठीक है। और उसने क्या दिया, उसका नाम द बैप्टिस्ट। किसने नाम दिया? वो तो जॉन द बैप्टिस्ट का नाम यीशु मसीह ने दिया, उसका नाम केवल यूहन्ना था, लेकिन बैप्टिस्ट जोड़ा किसने? यीशु मसीह। ठीक है, बैप्टिस्ट नाम उस यीशु मसीह खुद ही दिया। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बैप्टिस्ट नाम एक ईश्वरीय नाम है, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने मुंह से, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई नहीं बोलता था, यीशु मसीह ये टाइटल दिया किसको? जॉन द बैप्टिस्ट। ठीक है, हिस्टोरी बुक में आपको 1604 तक बैप्टिस्ट नेम का आपको देखना नहीं, लेकिन बैप्टिस्ट सही तरीके से सिखाने वाला लोग सिखाते थे, समझ गए? बैप्टिज्म इज द एक्ट, बैप्टाइज इज द एप्लीकेशन, आप अप्लाई किया बैप्टाइज लेके, और बैप्टिस्ट आर द एडमिनिस्ट्रेशन। यीशु मसीह का बैप्टिज्म का रीजन क्या था? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, फुलफिल द राइटियसनेस, टू गिव एन एग्जाम्पल टू फॉलो, हम लोग को एक एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए। तीसरा, टू शो इज ओबीडियंस टू द फादर, क्योंकि यूहन्ना में दिया गया है उसका पिता को उसका आज्ञाकारिता दिखाने के लिए। टू मार्क द स्टार्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री, उसका मिनिस्ट्री को सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं अभी मसीह बन गया, मैं अभी प्रभु में आया हूँ बोल के डिक्लेयर करके अभी प्रभु का काम करूँगा। ठीक है, 12 डिसाइपल से चर्च का शुरुआत हुआ। क्राइस्ट हैज चूजन, नाउ कॉल देम एपोस्टल, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना और यीशु मसीह ने ही उनको क्या किया, ये सब वचन पढ़ेंगे तो यीशु मसीह खुद एपोस्टल नाम दिया, यीशु मसीह खुद किसी ने दूसरा लोगों ने नाम नहीं दिया है। उसके बाद द फर्स्ट टाइम वर्ड एपोस्टल यूज इन द बाइबल, इसमें ये वचन हम देखते हैं। वी हैव टू बिलीव दैट न्यू टेस्टामेंट चर्च इज नाउ स्टार्टेड, जैसे मैं आपको सुसमाचार में किताब पढ़ाता था, हमको विश्वास करना है कि चर्च का शुरुआत हो गया उस समय, उस लुका में मार्क में मत्ती में हो गया। वी बिलीव दैट स्क्रिप्चरल चर्च इज विजिबल असेंबली ऑफ बैप्टाइज्ड बिलीवर्स, स्क्रिप्चरल बाइबल के हिसाब से चर्च कौन सा है, जो लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेके शारीरिक रूप में इकट्ठा होकर एक विशेष योजना के लिए परमेश्वर का वचन सीखते हैं, उनको हम लोग चर्च बोलते हैं। ठीक है, साधारण रूप में। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पहला कोरिंथियों, द इंपोर्टेंस ऑफ द वर्ड एपोस्टल, एपोस्टल का इंपोर्टेंस क्या है, वो वर्ड क्यों है, हु वर फर्स्ट मेंबर ऑफ द चर्च, एपोस्टल लोग ही पहला चर्च का मेंबर थे, कौन लोग? चेले लोग को एपोस्टल बोला गया। ठीक है, तो जैसा कि अभी अभी क्लास खत्म हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, आज चर्च हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, और अब मैं सर आमिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके आज हमने क्या क्या सीखा शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए सर प्लीज। ओके, सबको जय मसीह। आज हमारा जो क्लास हुआ, क्लास में हम लोग सीखा कि जो चर्च हिस्ट्री नया नियम का जो एरा है, समय है, वो समय में किस तरीका से 33 AD से 70 AD तक जब प्रेरित लोग काम कर रहे थे, प्रेरित लोग के समय में चर्च का उन्नति किस तरीका से हुआ है, और कैसा प्रोसिक्यूशन हुआ, प्रोसिक्यूशन होने के द्वारा, जो सता होने के द्वारा किस तरीका से चर्च धीरे धीरे बढ़ने लगा, और हम देखते हैं पहले 120 थे, उसके बाद 3000 विश्वास को, ऐसा करके
कुछ 30 साल के अंदर चर्च का जो डेवलपमेंट है, कई लाख लोग विश्वास कर किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चर्च जब पौलुस आया, पौलुस के बाद अन्य जाति में भी सुसमाचार गया, और सबसे पहले एंटियोक जो चर्च है, अन्य जाति चर्च शुरू हुआ। उसके बाद पौलुस रोम को गया, रोम को जाने के बाद उधर भी ग्रीस में, रोम, इटली, सब जगह में सुसमाचार का प्रचार करके चर्च किस तरीका से डेवलप हुआ। उन लोगों का क्या तरीका था? यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना सीधा, और वो लोग विश्वास करके प्रीच बाप्ताइज एंड टीच, मतलब प्रीच करो सुसमाचार का, विश्वास करने के बाद उनको बपतिस्मा दो। उसके बाद बपतिस्मा देने के बाद उन लोगों को डिसाइपलशिप बना के एक जगह में इकट्ठा होके उनको डिसाइपलशिप ट्रेनिंग दो। उसको बोलते हैं प्रीच बपतिस एंड टीच। वो प्रोसेस वो लोग अपनाए, और उनका सीधा सिंपल था कि सही सुसमाचार को क्या करना है, प्रचार करना, सीधा सीधा प्रचार करना। वो लोग अलग तरीका अपनाए नहीं, इसीलिए उस समय में चर्च 12 लोगों से शुरू होके इतना कई साल के अंदर कई लाख लोग और पूरे जेरूशलम में सुसमाचार भर गया, लोग विश्वास किए। क्योंकि वो लोग क्या है, यीशु मसीह जो बोला था उसी हिसाब से वो लोग क्या करते थे, सुसमाचार को प्रचार करते थे, और कोई अलग तरीका नहीं अपनाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, हम सुसमाचार को लेने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जिसमें हमारा सुसमाचार प्रचार का जो बेसमेंट है अलग तरीका के ऊपर डिपेंड करता है, तो लोग उसमें ज़्यादा चले जाते हैं लेकिन सुसमाचार को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए सुसमाचार प्रचार का सही तरीका सीखने के लिए फर्स्ट सेंचुरी जो प्रेरित लोग थे उनका तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है, और तरीका केवल अपनाना नहीं, एक्सक्लूसिवली उनके जैसा करना ज़रूरी है। नहीं तो हम अलग अलग तरीका अपना के हम सुसमाचार में डाइल्यूट कर देते हैं, सुसमाचार को मिलावट कर देते हैं, तो लोग सुसमाचार में और रीति रिवाज में कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अंतर देख नहीं पाते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो क्रिश्चियनिटी बढ़ने के लिए हमको प्योर गॉस्पेल प्रचार करना जरूरी है, जो आज हमने सीखा प्रेरित लोगों के जीवन से। थैंक यू सर आमिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हम लोग जैसे देखते हैं कि बाइबल में जी और प्रभु के चेले और उनके चेलों के भी चेले जितने भी थे, उन सब ने क्या किया, उन्होंने जो सुसमाचार सुनाया और जब वो विश्वास करते थे तो उन्हें टीच करते थे, यानी सिखाते थे वचन पे चलना, किस तरीके से चलना है, क्या करना है। तो ये जो तरीका है, ये बाइबल का तरीका है, जो कि परमेश्वर का तरीका है कि लोगों को प्रभु में बढ़ाने का, आगे चलाने का। लेकिन हम देखते हैं आजकल बहुत से चर्चों में ऐसा होता है कि वो लोग ये तरीका नहीं सिखाते, खाली ज़्यादातर ध्यान देते हैं चिन्ह चमत्कार के ऊपर। हाँ, और गॉस्पेल तो यानी सुसमाचार का तो बात ही छोड़ दीजिए, गॉस्पेल का तो बात ही छोड़ दीजिए। सुसमाचार आज बहुत कम प्रचार हो रहा है, क्या यहाँ तक कि ना के बराबर इसीलिए क्रिश्चियनिटी हमारे देश में ज़्यादा फैल नहीं पा रहा है। वही है एक समस्या, क्योंकि हम प्योर गॉस्पेल को लेके लोगों को नहीं जाते हैं, हम अलग तरीका अपनाते हैं। तो अलग तरीका होने से लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमको प्योर गॉस्पेल लेके जाना है, और प्योर गॉस्पेल प्रचार करेंगे तो लोग क्रिश्चियनिटी में कुछ अंतर देखेंगे। जब तक अंतर नहीं देखेंगे तब तक वो क्रिश्चियनिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी जैसे कि एक बात आमिया सर ने बहुत अच्छा बताया, वो बात क्या था कि सर ने कहा था कि मतलब अगर आप खाली ये कहेंगे कि चंगाई, आप यीशु में विश्वास करो, आपको चंगाई मिलेगा, अगर ऐसा करके आप प्रचार करेंगे तो फिर लोग चंगाई के लिए यीशु के पास आएंगे। और क्या होता है, कई बार हर बार लोग चंगाई नहीं होते, तो अगर उन्हें चंगाई ना मिले तो क्या होता है कि उनका विश्वास डगमगा जाता है, वो यीशु को छोड़ देते हैं उसके बाद में, जो कि सुसमाचार प्रचार करने का बहुत ही गलत तरीका है। बल्कि हमें इस तरीके से प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे प्रचार करना चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर है और उसके द्वारा ही केवल स्वर्ग जाने का मार्ग है। तो ये बहुत अच्छा जो आज मैसेज हम सीखे, और चर्च हिस्ट्री भी हमने आज बहुत पढ़ा, और इसमें बहुत सी बातें सीखे कि चर्च जो पुराने समय के चर्च थे, यानी यीशु मसीह के टाइम के जो चर्च थे, और यीशु मसीह के बाद स्वर्ग जाने के बाद के जो भी चर्च थे, पहली सदी के, दूसरी सदी के जो चर्च थे, वो सुसमाचार जो प्रचार करते थे कि यीशु ही परमेश्वर है, उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हें उद्धार मिलेगा, विश्वास के द्वारा उद्धार सिखाते हैं। लेकिन आजकल बहुत से चर्च ये सिखाते हैं कि तुम अच्छा काम करोगे तभी तुम स्वर्ग जाओगे। वैसे देखो, अभी मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जो स्वर्ग जाने का, ये
जो भी आप मतलब खलिया बाला बसाबा चिन्ह चमत्कार ये सब गलत है, ये सब गलत है, ऐसा बिल्कुल मत ऐसा प्रचार मत करें कि यीशु आपको चंगाई देगा ही देगा। नहीं, कई बार चंगाई नहीं मिलता है। मेरा भाई खुद, मेरा बड़ा भैया, वो इतना प्रार्थना किया लेकिन मर गया। एक पेंटिकॉस्टल पास्टर भी आया, उसने भी प्रार्थना किया लेकिन मेरा भाई मर गया। तो क्या अभी अगर माँ, ये तो अच्छा हुआ कि मेरा विश्वास यीशु पे पक्का है। अभी मान लीजिए अगर मैं नया होता प्रभु में, तो अगर मैं, मुझे कोई ऐसा बोलता कि भाई आप यीशु में आओ, तो यीशु पे अगर आप आओगे तो ज़रूर आप चंगाई, आपके भाई को चंगाई मिलेगा, और अगर मैं चला जाता और मैं यीशु को बोलता चलो चलो देखते हैं, और अगर ये चंगाई नहीं होता मेरा भाई, तो फिर मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता ना। लेकिन ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। सही प्रचार यही है कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है और केवल यीशु ही मार गया, ये ऐसा प्रचार करना चाहिए। कभी चिन्ह चमत्कार को आगे करके यीशु का प्रचार ना करें। तो आई थैंक सर आमिया वेरी मच फ्रॉम डीप इनसाइड माय हार्ट। सर थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और रोहित भाई भी है हमारे साथ। रोहित भाई कैसे? ठीक है, बढ़िया है। रोहित रोहित भाई भी स्टूडेंट हैं मेरे जैसे, हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं यहाँ पर। और थोड़ा कुछ बताएं, आज आपको कैसा लगा थोड़ा इधर आके? मुझे बहुत अच्छा लगा जो आमिया सर ने चर्च हिस्ट्री के बारे में बताया, और चर्च के बारे में किस प्रकार से चर्च इन्फ्लुएंस हुआ जब प्रेरितों के समय में, और उन लोगों का जो प्रचार करने का जो तरीका था बहुत अच्छे थे। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सिखाया उन्होंने वैसे ही प्रचार किया, लेकिन आजकल जो पास्टर सब है आजकल गलत प्रकार से प्रचार करते हैं, अलग अलग प्रकार के, कोई प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करके, कोई चिन्ह चमत्कार को लेकर उन लोग बहुत सारे ऐसे प्रचार करते जिसके कारण लोग कई विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में इस प्रकार की कोई कठिन समय आता है तो वे फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रचार करने के लिए एक सही रीति दिया है, तो हमको उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई रोहित का, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू इनको भी। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आज का इस वीडियो से आपने बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा कि किस तरीके से हमें प्रचार करना चाहिए। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाए। जय मसीह की।